अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और इसमें अपडेट आना शुरू हो चुका है MIUI 12.5 का ग्लोबल में दोस्तों। तो ये जो है ग्लोबल का, देख सकते हैं कि 12.5.1 स्टेबल रॉम पे मैं चल रहा हूं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाइज़, ये जो अपडेट है सबको नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ बीटा टेस्टर्स को, पायलट टेस्टर्स को मिल रहा है। तो अगर आप एक टेस्टर है तो आपके अपडेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेबल यूज़र है तो आपको ये अपडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक टेस्टिंग है, तो इसमें बहुत सारे बग्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकती है। तो जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के आपको ये मिलेगा स्टेबल में, तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस, मैंने इसे अपडेट किया है एक तरह से फुल रॉम को डाउनलोड करके, एंड क्योंकि मेरा बूट लोडर अनलॉक नहीं था दोस्तों, तो मुझे यहां पर अकाउंट लेना पड़ा। तो यहां पर हमारे मोहम्मद अनस भाई ने बहुत ज्यादा मेरी मदद की, उन्होंने अपना अकाउंट दिया जो कि बीटा टेस्टिंग का था, एंड उसकी वजह से मैं यहां पर दोस्तों अपडेट कर पाया एंड 12.5.1 को यहां पर टेस्ट कर पा रहा। तो गाइस, कैसा है मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये 12.5.1 अपडेट का? तो गाइज, मेरा जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे इससे। जी हाँ, मेरी जितनी ज़्यादा ख्वाहिश थी दोस्तों कि 12.5.1 अच्छा हो, MIUI 12.5 चाइना रोम में तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो ग्लोबल रोम है दोस्तों एकदम से टट्टी है। मतलब बहुत ही बकवास लगा जो दोस्तों मुझे मुझे लगा ही नहीं कि ये 12.5.1 यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा MIUI 12.0 था बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे वॉल्यूम बटन को इन्होंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपको इस तरह की वॉल्यूम बटन मिलेगी, एंड वो भी आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी आपको उतना ज्यादा स्मूथनेस पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, यहां पे वॉल्यूम बटन दे देते हैं, लेकिन चाइना रोम में 12.5 में हमें यहां पे पावर बटन चेंज मिलता है, वो आपको यहां पे नहीं मिलता है। बिल्कुल सेम वही चीजें मिल जाती है दोस्तों जो कि हमें 12.0 में मिलता था। साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी बग है, जैसे कि हमें लेफ्ट से खोले तो यहां पर यह नोटिफिकेशन खुलना चाहिए, राइट से खोले तो हमारा जो टॉगल्स खुलना चाहिए, लेकिन यहां चाहे लेफ्ट से खोलो या राइट से खोलो सिंगल चीज ही खुलता है, तो मुझे यहां से ऊपर से जाकर के खोलना पड़ता है। तो ये भी बग है दोस्तों यहां पर। कुछ बग आपको यहां पर मिल जाता है म्यूजिक में, तो अगर आप YouTube से कुछ म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हो और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में शो करेगा, और अगर कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो वो आप क्लियर भी कर दोगे तो नोटिफिकेशन नीचे ही रहेगा, ऊपर दिखाएगा नहीं। तो इस तरह के भी बग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ, बग तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है, फर्स्ट बीटा है दोस्तों, तो फर्स्ट बीटा में बग होते हैं। आने वाले दिनों में जब कुछ टेस्टिंग हो जाएगा, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जब फिक्सिंग हो जाएगा, तब जब स्टेबल अपडेट आएगा तो उसमें हमें ज्यादा कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, ज्यादा जो है स्टेबल अपडेट मिलेगा। आई बिल्कुल एग्री दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है ना कि जो फर्स्ट बीटा MIUI चाइना रोम का था वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, मैंने यूज किया हुआ है, एंड उसमें भले ही एक दो बग्स मिल जाते थे लेकिन फीचर्स की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन इसमें दोस्तों 12.5 होते हुए भले ही फर्स्ट बीटा हो, फीचर्स की बहुत सारी कमी है दोस्तों। चलो बग्स को इग्नोर भी कर देते हैं तो फीचर्स है ही नहीं दोस्तों, ना के बराबर फीचर्स है। कैसे मैं ऐसा कह रहा हूं? तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में, एंड उसके बाद आप यहाँ पे चीज देखेंगे, तो ये जो है अभी तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच लेवल पे चल रहा है। चलो कोई इशू यहाँ पे नहीं है कि भैया अप्रैल है तो नो इश्यूज, एंड अगर ऑल स्पेक्स में जाएंगे तो एंड्रॉयड 11 यहाँ पे हमें मिल जाता है। लेकिन सबसे पहली फीचर हमें यहाँ पे मिलती है दोस्तों, अगर आप जाओगे साउंड एंड वाइब्रेशन में MIUI 12.5 में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत लेआउट मिलता है चाइना रोम में। इसमें आपको बिल्कुल 12.0 वाला ही लेआउट मिलता है, एंड अगर आप नोटिफिकेशन या अलार्म या रिंगटोन में जाओ भी दोस्तों, अगर आप इस पर जाओ भी, तो आपको वो खूबसूरत UI देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको चाइना रोम में मिलता है। इसमें दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पे वही UI है, जो भी रेन फॉरेस्ट 7 या फिर दोस्तों यहाँ पे रिंगटोन थे जो कि अलग अलग चेंज हो, वो सब कुछ यहां पे इन्होंने कर दिया लिस्ट व्यू में, जो कि एकदम से घटिया लगता है देखने में। तो यहाँ पे भाई जो खूबसूरती था वो तो बिल्कुल इन्होंने खत्म ही कर दिया है। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले का सेटिंग्स था, या फिर दोस्तों अलग से यहाँ पे वॉलपेपर का जो सेटिंग्स आता था उसमें एकदम से अलग UI आता था, वो UI भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे थीम एप्लीकेशन ही खुल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना रोम को सब कुछ मिलेगा, ग्लोबल रोम को कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टट्टी है। उसके अलावा दोस्तों सबसे बेस्ट फीचर क्या था MIUI 12.5 का, उसमें आप सिस्टम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते थे। क्या इसमें आप ग्लोबल रोम में या फिर इंडियन रोम में अनइंस्टॉल कर सकते हो? नहीं दोस्तों, यहां पे देखोगे अगर आप कैलकुलेटर का मैं इसे करता हूं दोस्तों अनइंस्टॉल करने की कोशिश, तो अनइंस्टॉल बटन गायब है दोस्तों। या फिर चलिए क्लॉक का कर लेते हैं, वैसे क्लॉक तो अनइंस्टॉल चाइना में भी नहीं होता, लेकिन कोई इशू नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डर का ट्राई कर लेते दोस्तों, नहीं अनइंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ अनइंस्टॉल अपडेट लिखा हुआ है। स्कैनर का ट्राई कर लेते दोस्तों, यहां पर वो भी अनइंस्टॉल नहीं होगा दोस्तों। तो कोई भी एप्लीकेशन यहां पर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। अगर हम लोग शेयर में ट्राई करेंगे, क्या शेयर में अनइंस्टॉल होगा? नहीं होगा दोस्तों, ये भी अनइंस्टॉल नहीं होगा। कंपास भी नहीं होगा, वेदर भी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। तो जो हमें ऑप्शन मिलता था 12.5 में कि भैया लाइट वेट UI हो गई है,
यहाँ पे तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या फाइल मैनेजर अनइंस्टॉल होगा? वो भी नहीं होगा दोस्तों। क्या कैलेंडर अनइंस्टॉल होगा? वो भी नहीं होगा दोस्तों। मतलब है ही नहीं अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन। लेकिन हाँ, इन्होंने बस सेटिंग्स में यहाँ पे डाल दिया। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, ऐप्स में जाओगे, तो अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप्स का ऑप्शन डाल दिया है। लेकिन इसमें एक भी ऐप दिखा नहीं रहा है कि हम लोग किसी सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल करें। इसका मतलब यह है कि मे भी हो सकता है कि आने वाले बीटा रॉम में आपको देखने को मिल जाए कि अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी अनइंस्टॉल नहीं होगा, एंड अभी बिल्कुल वही चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको पहले मिलता था दोस्तों। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आपको MIUI 12.5 में आपको क्या मिलता है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे फास्ट हो गया आपका यहाँ पे, चलो मान लेते हैं। जी हाँ, मुझे फास्ट लगा इसमें, नो डिनाई दोस्तों। और दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को भी टेस्ट किया दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में खोल करके, तो मुझे ऐसा लगा कि जी हाँ, रैम मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा सुधार हो चुकी है इस अपडेट में। लेकिन मे भी हो सकता है कि आने वाले अपडेट में अगर वो लोग बग को फिक्स करेंगे तो फिर से वापस से रैम मैनेजमेंट को इशू को ला देंगे। पॉसिबल है ना दोस्तों? बिकॉज मेरा तो मूड खराब हो गया ये 12.5 को देख करके। चलो, एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा एनिमेशन ला दिए गए हैं जो कि इतना ज्यादा एक्सेस एनिमेशन का जरूरत ही नहीं था। जैसे चलो रिसेंट मेनू में चलते हैं तो देखना, ये जो वॉलपेपर है वो कुछ इस तरह से जूम इन का इफेक्ट देगा। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे जो वॉलपेपर है यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट दे रहा है। इतना जरूरत नहीं था, कोई एप्लीकेशन खोलेंगे उसमें भी वॉलपेपर जो है जूम इन जूम आउट का यहाँ पे इफेक्ट देगा। कोई जरूरत नहीं था, ये सब सिस्टम को स्लो करता है। एक नॉर्मल सा सिंपल सा आप नोटिफिकेशन लेकर के आओ जो कि चले अच्छे से, नो इश्यूज। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा अगर आप लेकर के आओगे जूम इन जूम आउट अगर हर एक चीज का, तो फिर तो यहाँ पे स्लो होगा ही ना होगा। अगर हम लोग लॉक स्क्रीन की बात कर ले तो बिल्कुल वैसे ही है। चलो, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड जो 12.5 के सिग्नेचर ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे चाइना रोम में, वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों इस रोम के बारे में, अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए दोस्तों, मैं बताऊंगा। बाकी बात रहा प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी भी 12.5 वाला नहीं आया जो कि आपको इसमें मिल जाता था चाइना रोम में। एंड कुछ भी दोस्तों यहाँ पे मतलब यूनिक नहीं है, बस नाम का ये 12.5 है, असल में 12.0 ही खाल पहन करके आ गया है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कैमरा यूआई, जी हाँ, कैमरा यूआई कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, नथिंग, नॉट अ सिंगल चेंज इन कैमरा यूआई। और होगा भी कैसे दोस्तों, ये जो अपडेट आया था सिर्फ और सिर्फ 700 MB का अपडेट था भैया, 700 MB का सिर्फ अपडेट। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ अपडेट में कि कस्टम डिवाइस मॉडल एडजस्टमेंट्स, एनी फोन बिकम्स फास्टर आफ्टर द अपग्रेड। हाँ चलो भैया, फास्टर हो जाता है मान लेते हैं। रिस्पॉन्स टू जेस्चर इज नाउ इंस्टेंट। क्या भैया, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जेस्चर भी काफी ज्यादा फास्ट हो गया, ये भी सही है। MIUI बिकेम लाइटर फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल। नहीं भैया, लाइटर तो नहीं हुआ है क्योंकि अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं दिया। चलो फास्टर हुआ है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल क्या होता है यार, सॉफ्टवेयर ड्यूरेबल कैसे होगा? पॉकेट में लेकर के घूमना है क्या सॉफ्टवेयर को कि रखे रखे स्क्रैच हो जाएगा? ये ड्यूरेबल क्या होता है दोस्तों? नोट्स में कंपोज माइंड मैप्स या फिर स्केचिंग का टूल्स, ये सब पहले भी था। तो नोट्स में जो भी चीजें लिखी हुई ना 12.0 में पहली ऐप अपडेट के साथ में आ गया था। Xiaomi क्लाउड कुछ भी नया नहीं है। न्यू मोड्स फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो एंड टाइम लैप्स फोटोग्राफी एज वेल एज न्यू सेट ऑफ फिल्टर्स, ये भी ऑप्शन पहले से था दोस्तों। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर टाइम लैप्स वगैरह में तो आपको पहले से सारे ऑप्शंस मिल जाते थे यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max में, जो कि मतलब कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है। पोर्ट्रेट वीडियो मोड नहीं आया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ पोको X3 Pro वगैरह मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। तो आप मान सकते हो दोस्तों कि ये नाम का 12.5 है। मे भी देखते हैं कि जब इसका ओरिजिनल स्टेबल अपडेट आता है तब ये क्या नया लेकर के आता है। बाकी आज के लिए तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा इससे डिसअपॉइंटेड हूँ। बाय के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम कान लगा करके सुनना, सोचना समझना और फिर बात करना। एंड बात यही है, बस यही कहना चाहता हूँ कि MIUI 12.5 ग्लोबल में या फिर इंडिया में टट्टी का टट्टी ही रहेगा। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।